खबर दुर्ग से है जहां बघेल ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग तक कर दी है। तो ईवीएम पर अविश्वास बढ़ा है ऐसा पूर्व सीएम बघेल का कहना है और लगातार कांग्रेस उस पर बात करती भी आई है और जब से परिणाम आए हैं तब से कहीं ना कहीं आरोप और ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं। बघेल ने ईवीएम पर सवाल उठाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उनके द्वारा की गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। भाई ये है कि जो चर्चाएं हो रही है उसमें लोगों को विश्वास नहीं है मशीन के अंदर है क्या, क्योंकि कई जगह ये है कि हम वोट डालें हमारा वोट गया कहाँ, हमारे पूरे परिवार के वोट डला है लेकिन उतना वोट मिला नहीं है, कहीं जगह कुछ ज़्यादा आ रहा है, कहीं जगह मशीन खराब होने की शिकायतें मिल रही है। तो ऐसे में जब लोगों के शिकायतें हैं और एक अविश्वास पैदा हो रहा है तो होना ये चाहिए कि इसको एक बार कम से कम मत पत्र से मतदान कराने चाहिए। सर, छत्तीसगढ़ में स्थायी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा, राज्यपाल ने नए मंत्रियों को शपथ। राज्यपाल